हेलो सर अभी मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है मतलब मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाइए एजुकेशन का क्योंकि ना मेरे नोट्स और राइटिंग को देख के सब लोग ये बोलते हैं कि आप अच्छा लिखते हो और अच्छा मतलब आपका नोट्स है तो आप मतलब बना सकते हो तो सर अभी मैंने उस पर तीन शॉर्ट्स ही डाले हैं सिर्फ और लेकिन मेरे को लगता है कि ना एजुकेशन के ऊपर बहुत कम व्यूज आते हैं आजकल लोग ना सिर्फ रील्स देखे जा रहे हैं या फिर एजुकेशन को मतलब वो रिलेटेड टू एजुकेशन बहुत ही कम देख रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने अभी तीन ही शॉर्ट्स डाले हैं तो मैं उसे कंटिन्यू करूँ या फिर मतलब रोक दूँ आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लग रहा है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्टेंट है यूट्यूब पर उस पर व्यूज कंपैरेटिवली कम आते हैं आपको ये लग रहा है कि जो इंस्टाग्राम रील्स है या यूट्यूब शॉर्ट्स है वहां पर तो व्यूज आते हैं जो एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं लेकिन एजुकेशन पे व्यूज कम आते हैं तो अगर आपको ये लग रहा है तो सबसे पहले तो इसको वेरीफाई करिए इज इट अ फैक्ट और इट्स जस्ट योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों में बड़ा फर्क होता है मुझे ऑनेस्टली बताओ मुझे अभी नहीं पता है आपको आइडिया है मुझे मैं आपको एग्जांपल दे देता तो हूँ सर हाँ आप देख लीजिए कुमार गौरव करके चैनल है उत्कर्ष क्लासेस पे डेढ़ लाख उनके टारगेट्स होते हैं सुबह के बच्चे लाइव पढ़ते हैं तो ये मिथ है कि एजुकेशन पे व्यूज नहीं आते हैं। हाँ आप किस वे में व्यू चेक करते हैं कि इंस्टेंट व्यू आए मैंने वीडियो डाली और उस पर मिलियंस में जाने चाहिए तो फिर आप हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रह जाएंगे तो सबसे पहले तो व्यूअरशिप एजुकेशन में बहुत है मेरे माइंड में भी एक नाम आ रहा है अभी जो यहां पर आए थे खान सर जी अगेन ही इज क्रिएटिंग एजुकेशन रिलेटेड